उमेश पाल मामले में बड़ी खबर। सामने आया एक और सीसीटीवी फुटेज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब से उमेश पाल की सरेआम जान ली गई है, तब से बस इसी कांड की चर्चा आम हो गई है। और जिस तरह से योगी सरकार अपराधियों पर एक एक करके शिकंजा कस रही है, उससे तो यही लग रहा है कि इस मामले में एक भी अपराधी बचेगा नहीं। तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले देखिए ये वीडियो। ये चंद सेकंड का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो पहले वाले वीडियो के बाद का है, यानी लास्ट वाला वीडियो। उमेश पाल शूटआउट का आज 21वां दिन है और शूटआउट कांड के सीसीटीवी फुटेज से जहां पुलिस ने शूटर्स की पहचान कर ली, तो वहीं फरार आरोपियों पर 5 लाख का इनाम का ऐलान भी किया है। समय के साथ साथ इनाम बढ़ाया भी जा रहा है। वहीं इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और जिसमें ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम देने का सबसे आखिरी फुटेज ये बताया जा रहा है। कुछ सेकंड का ये वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। इस सीसीटीवी फुटेज में गोली लगने से घायल उमेश पाल माफिया अतीक अहमद के बेटे असद से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाश लगातार उन पर फायरिंग करने की फिराक में है। ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में अतीक का बेटा असद है। देखिए ये वीडियो। जाहिर है कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भाग रहे हैं। गली में एक शूटर उन्हें पकड़कर गोली मारना चाहता है। उमेश पाल गोली लगे होने के बावजूद शूटर से बचते हुए, जूझते हुए, भागते हुए नजर आते हैं। तो वहीं से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि शूटर माफिया अतीक अहमद का बेटा असद है। वीडियो में देखा जा रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़की भी बाहर निकलकर आकर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शूटर को देखते ही वह डर कर वापस भागती है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में मारे गए गनर राघवेंद्र भी नजर आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।